हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के दिन हम वीडियो में बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स से रिलेटेड, और मल्टीपल कौन से स्टॉक्स? ब्रोकरिंग स्टॉक, ऐसे स्टॉक जो कि आज मार्केट गिरती हुई नजर आई है, तो वो भी स्टॉक्स नीचे आते हुए नजर आए हैं, तो वहाँ अच्छा खासा पैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे चाहूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट एज वेल एज ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम फौरन तौर पर आपको जब वीडियो डालें तो फौरन तौर पर आपको मिले। आप देखिए और सीखिए, और जितना सीखेंगे उतना ज्यादा पैसा बनेगा। प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए। और बात करें मार्केट गिर रही है तो मार्केट गिरती रहेगी, ओके, वो चलते रहेगा, वो हम अगर मार्केट में हो वो हमेशा जब तक मार्केट में रहोगे तब तक चलते रहेगा। तो करना क्या है क्या नहीं करना है उससे रिलेटेड अगली वीडियो आएगी, उसका सपोर्ट लेवल एक नजर आता है कुछ चीजों का, तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं ब्रोकरेज स्टॉक से रिलेटेड। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लाइक जरूर कर दीजिए, और हमारे ये पर्टिकुलर नंबर दे रखा है, इस पर्टिकुलर नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आप हमारे फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना चाहते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अलग अलग चीजों की, तो हम अलग अलग ब्रोकिंग स्टॉक से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईसीआईसी सिक्योरिटीज। आईसीआईसी सिक्योरिटीज आज के दिन 8% के लगभग यहाँ पर गिरती हुई नजर आई है, ओके। और कहाँ पर ये गिरावट होती हुई नजर आ रही है, कहाँ सपोर्ट नजर आ रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। और हम बात करेंगे कि अगली बार इसके अब कितने रिटर्न हमें नजर आते हैं। तो बार बार मैंने इस स्टॉक से रिलेटेड आपको बार बार वीडियो बनाई है, ओके। 400 रुपये पे जब ये चल रहा था उसके बाद से एक अच्छी खासी रैली, अब एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर से अब दोबारा एक रैली होती हुई नजर आ रही है आने वाले टाइम में। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कुछ चीजें जान लेते हैं। तो आईसीआईसी सिक्योरिटीज हम यहाँ पर देख सकते हैं ब्रोकिंग फर्म से रिलेटेड यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है, ओके। आपको बताइए आप अलग अलग जगह पर अकाउंट ओपन कराते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, तो वहां पर आप जो भी आप बेचते हैं खरीदते हैं उसके ऊपर कुछ पैसे लगते हैं, ओके। वो उनकी उनकी कमाई होती है ब्रोकिंग स्टॉक्स की, एज वेल एज कुछ एडवाइस देते हैं और बहुत सारी चीजों से यहाँ पर आप पैसा कमाते हुए नजर आते हैं। मिड कैप कंपनी 23,147 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, 16 का पीई है, 3770 के आसपास का आरओसी आरओई है। और डेट की बात करें तो यहाँ पर डेट काउंट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये लोन से रिलेटेड भी कंपनी काम करती है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज देती हुई नजर आती है। और 896 रुपए ये इसका हाईएस्ट है, अभी 718 रुपए पे चल रहा है आज के दिन। अगेन गिरावट हुई है, इससे पहले भी दिलाया था तो उससे पहले भी एक अच्छी खासी जम थी। तो अभी बताने का मकसद क्या है, अभी बताने का सिंपल सा मकसद ये है कि अगर आप अभी भी यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो 20% के रिटर्न तो यहाँ पर सिंपली बनते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ईयरली बेसिस पे, कंपनी ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। और इस बार के भी जो रिजल्ट थे हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स थी। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे वो क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पर हाईएस्ट एवर यहाँ पर इनकी सेल्स प्रॉफिट होता हुआ नजर आता है 380 करोड़ रुपीज का। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस पे एज वेल एज ईयरली बेसिस पे यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है, जो कि यहाँ पर दिखता है। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है, रिजर्व्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी का इन्वेस्टमेंट की बात करें 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, वर्किंग प्रोग्रेस में 12 करोड़, यहाँ पर कैश की बात करें लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास का, 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर कैश भी पड़ा हुआ है कंपनी के पास। और यहाँ पर कुछ और पॉइंट की अगर हम बात करें, आरओसी आरओई काफी बेहतरीन है, प्रमोटर्स के लगभग 74.89% के शेयर है, एफआईआई की होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आई है, एज वेल एज डीआईस की होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आई है, पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर कम होती हुई नजर आई है, पब्लिक यहाँ पर बेचती हुई नजर आ रही है। तो देखिए एफआईआई बढ़ा रहे हैं, डीआईस बढ़ा रहे हैं, प्रमोटर्स के 75% कह सकते हैं, और पब्लिक के पास कम होती हुई नजर आ रही है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि ऐसे बेहतरीन शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे इस ऐसी गिरावट में अगर आपको दोबारा मिलते हैं तो अच्छा खासा यहाँ पर आपको प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। हम बात करें कंपनी की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बेहतरीन रेजिस्टेंस हमें नजर आता है, नीचे के लेवल पे एक सपोर्ट नजर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले भी रुका था, इससे पहले भी यहाँ पर रुका है, इससे पहले भी यहाँ रुका है, और एक लेवल पर इसी लेवल पर बार बार सपोर्ट लेते हुए चीजें नजर आती है। तो जुलाई से लेके अभी तक एक अच्छी खासी यहाँ पर अगर हम बात करें कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पर। अब ये बार बार यहाँ पर कोशिश कर रहा है 834 तक, इस बार भी गया था फिर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूरी मार्केट नीचे आई तो ये भी नीचे आया, बट जैसे ही मार्केट रिकवर होगी तो दीज आर द स्टॉक्स जो सबसे पहले भागेंगे। तो यहाँ पर देखिए 15-16% के रिटर्न तो यहाँ पर 17% के तो इजिली मिलते हुए नजर आएंगे 3 महीने के अंदर अंदर, बट यहाँ पर चीजें रुकने नहीं वाली, यहाँ पर ये अब इस बार ये लेवल यहाँ पर से तोड़ती हुई नजर आएगी, ओके। और उसके बाद जब चीजें यहाँ पर टूटती हुई नजर आएगी तो एक अच्छी खासी रैली होती हुई नजर आएगी, जो इसे अच्छा खासा 1000
₹1,000 तक के लेवल यहाँ पर दिखाती हुई नजर आएगी। कंपनी इसी तरीके से चलती है, बेहतरीन कंपनी है, रिजल्ट आप अपने आंखों से देख चुके हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे एक और पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड जिसका नाम है एंजल वन। एंजल वन की बात करें अगेन यहाँ पर ये कंपनी मिड कैप नजर आती है। ओके यहाँ पर आप देखेंगे पी 21 के पी है, 26 और 34 का आरओसी आरओई है। जब ये शेयर आया था तब कोई लेने को राजी नहीं था, इसके बाद इसने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए, 5 गुना आपके पैसे को किया और उसके बाद यहाँ पर देखे तो एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। और आज के दिन मार्केट में पूरा गिरावट थी तो इसमें भी गिरावट थी। यहाँ पर देखेंगे हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स होती नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली बेसिस पे यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर डबल होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर सेल्स की बात करें कंसिस्टेंट बेसिस पे सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है। और नेट प्रॉफिट भी देखेंगे यहाँ पर 32 करोड़ का प्रॉफिट, 522 करोड़ एज वेल एज डिविडेंड, कंपनी बेहतरीन डिविडेंड देती हुई नजर आती है हमेशा। रिजर्व्स कंपनी के अच्छे खासे हैं। यहाँ पर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की 9 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और कैश की बात करें लगभग 4500 करोड़ का कैश भी पड़ा हुआ है। देखिए 43.66% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है, FIs ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है, ओके DIs ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है, पब्लिक के पास यहाँ पर 42% नहीं है, बट 42 में से अगर यहाँ पर एक को पर्टिकुलर यहाँ पर काउंट करेंगे तो लगभग 22-23% की हिस्सेदारी नजर आएगी, तो 20-1% की हिस्सेदारी ही यहाँ पर नजर आती है यहाँ पर लोगों की। तो हम बात करें एंजल ब्रोकिंग की भी, एंजल ब्रोकिंग भी बार बार अभी जब मैंने आपको नीचे दिलाया था उस लेवल पे उसके बाद एक अच्छा खासा 23-24% के रिटर्न दे रहा था, बट आज की डेट में यहाँ पर 11% की एक बेहतरीन गिरावट होती ही नजर आई है। ओके और यहाँ पर अगर चीजें दोबारा नीचे आती है ओके और यहाँ पर आपको मिलती है तो यहाँ पर लेने का एक मौका बनेगा। और इसको अभी ये लेवल नहीं, अगर ये लेवल को निकालता है 1600 रुपए के, 1690 के आसपास का, तो इसके बाद एक अच्छी खासी रैली होती हुई नजर आ रही थी। ओके और ये रैली और भी होती बट मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा सा यहाँ पर बिगड़ता हुआ नजर आया है, बट एक बेहतरीन सपोर्ट पे नजर आ रही है चीजें। बट अगर चीजें ज्यादा नीचे जाती है तो ये भी चीजें नीचे आएगी, और नीचे आएगी तो यहाँ पर 1000 का लेवल एक बेहतरीन लेवल यहाँ पर नजर आता है। लेट्स सी नीचे आती है चीजें या नहीं आती है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर मुझे एक आध दिन में रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है वो अगली वीडियो जब आएगी तो उसमें हम बातें करेंगे, बट एक लंबा कंसोलिडेशन इसमें भी जुलाई से लेकर अभी तक हो चुका है। और इस बार जब चीजें निकलेगी तो याद रखिए तो दूर तक यहाँ पर जाती हुई दिखाई देगी और एक अच्छा खासा लेवल यहाँ पर निकालती हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्म करती हुई चीजें नजर आ रही है, तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इन शेयर को आप अपने पोर्टफोलियो में एड भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के पर्पज से भी, एज वेल एज शॉर्ट टर्म भी खेलना है तो आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं, काफी बेहतरीन स्टॉक्स है। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये पर्टिकुलर नंबर दे रखा है इस पे हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके सपोर्ट करिए, लाइक करिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।